असलम इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्टिक डिस्क एडेमा ठीक है और नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेपिली डीमा पेपिली डीमा मीन्स दैट इसके नाम से आपको पता चल रहा है एडेमा होगा पैपीला मीन्स कि ये हमारे पास होगा ऑप्टिक नर्व का ठीक है सो डेफिनेशन इसकी क्या होगी इट इज़ अ पैसिव एडेमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व हैड ऑप्टिक नर्व हेड की जब भी बात की जाए मीन्स दैट उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है या हमारे पास जो उसका रीजन है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं इंट्रोकुलर पार्ट से वहाँ पे एक्चुअली एडिमा होगा पैसिव एडिमा होगा मींस दैट मैंने आपको बताया था एक एक्टिव एडिमा होता है एक पैसिव होता है जिसमें इन्फ्लामेशन होती है उसको हम एक्टिव एडिमा कहते हैं जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होती उसको हम पैसिव एडिमा कहेंगे सो so, पेपेलीडिमा में क्या होगा पैसिव एडिमा होगा मीन्स दैट यहाँ पे आपको कोई इन्फ्लेशन के साइंस नहीं मिलेंगे ठीक है कोई इन्फ्लमेशन के साइंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको सो इट इज़ अ पैसिव एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड एंड इट इज सेकेंडरी टू द रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव एडिमा होता है मोस्टली जिसमें इन्फ्लॉशन इन्वॉल्व नहीं होती उसमें एक्चुअली क्या होता है जो सी एस एफ प्रेशर होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो एक्चुअली रेज होता है जिसकी वजह से ये एडिमा होता है और नियरली ऑलवेज इट इज़ बायोलेट्रल क्यों बायोलेट्रल होगा बिकॉज आपका एम सी क्यू भी है कि बायोलेट्रल एक्चुअली किस केस में होता है एक तो रेज इंट्राक्रेनल प्रेशर है क्यों हो गया देखिए जब सी एस एफ रेज होगा तो सी एस एफ हमारी दोनों आँखों में रेज जाएगा ना ठीक है एक मतलब राइट साइड पे भी ज़्यादा जाएगा राइट साइड की आँख में भी और लेफ़्ट साइड की आँख में भी दोनों साइड्स पे क्या होगा कि इंट्राक्रेनल प्रेशर रेज होने की वजह से सी एस एफ प्रेशर रेज होने की वजह से प्रेशर दोनों में ज़्यादा होगा एट ए टाइम ज़्यादा होगा इस वजह से जो पैपेलिडिमा होता है इट इज़ बाय नेक्स्ट आफ्टर डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताया इट इज अ पेसिवेटिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड विच इज सेकेंडरी टू द रेज इंट्रक्शनल प्रेशर एंड इट इज़ ऑलवेज नियरली बायोलेट्रिकल ओके नेक्स्ट हम इसकी कॉज डिस्कस करते हैं कॉज़ेज़ इसके इंपॉर्टेंट भी हैं जिसमें सबसे पहले आपका जो कॉज आता है डेट इज़ के आपकी किसी भी वजह से क्या होना है कि इंट्राक्रेनल प्रेशर ज़्यादा हो जाना है सी एस एफ प्रेशर ज़्यादा हो जाना है वो किस वजह से हो सकता है वो इस वजह से हो सकता है को ना कोई ट्यूमर बना हुआ है अंदर कोई एपसिस्ट है कोई सिस्ट है हाइपर टेंशन हुई हुई है अंदर ठीक है या हमारे पास सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है या हमारे पास जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है अंदर कोई हमारे पास हेमरेज हो गया है हेड इंजरी हो गई है या कोई सिस्टमिक कंडीशन है ओवरऑल बॉडी में कोई कंडीशन है या ट्यूमर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हो सकते हैं या हाइपर वाइटामिन हो सकता है कि विटामिन ए जब ज़्यादा हो जाता है सो so ये आपके पास कुछ कॉजेज़ हैं जिसमें जो सी एस प्रेशर होगा एक्चुअली रेज हो जाएगा इसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंड लेजेंस ठीक है कि सी प्रेशर क्यों रेज हो रहा है एक्चुअली कि वहाँ पर कोई ट्यूमर बना हुआ कोई है कोई एप्स है ब्रेन के अंदर या सिस्ट है ऑब्वियसली इन तीनों की वजह से क्या होगा कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है और उसने एक्चुअली क्या करना है कि CSR प्रेशर को रेज कर देना दरमियान में एक रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, या आपका उस में होता है कि होता वो ट्यूमर नहीं है लेकिन ऐसे लगता है जैसे ट्यूमर है एक्चुअली होता क्या है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपर टेंशन हुई होती है सो so इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो बिनाइन इडियोपैथिक भी हम इसको कहते हैं इसका पहला नाम होता था ट्यूमर सरिब्राइ इसमें हमें क्या मिलता है इसमें हमें पहले डीमा मिलता है ठीक है दूसरा ये यंग और बीस फीमेल्स में कॉमन होता है ठीक है इसमें वाइटामिन ए की टॉक्सिसिटी की वजह से ही हो सकता है या जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरोड्स या टैट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं उनमें ये कॉमन होता है इसमें पेशेंट्स के अंदर हमें डिप्लोपिया मिलता है क्रेनियल नर्व सिक्स जो होती है उसकी पालसी मिलती है ठीक है और जो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं वो लॉस हुए होते हैं इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एलिवेटेड ओपनिंग प्रेशर ऑन द लंबर पंक्चर ठीक है जब हम लंबर पंक्चर करते हैं सी एस प्रेशर देखने के लिए ठीक है तो क्या होता है एकदम से जो है वो कूद के बाहर आता है इतना प्रेशर हुआ होता है सी का इतना ज़्यादा हुआ होता है कि वो जो हम लंबर पंक्चर करते हैं साथ ही जो है वो एलिवेटेड ओपनिंग प्रेशर होता है ठीक है सो ये आपके पास ईडियोपैथिक मीन्स दैट कोई वजह नहीं है कोई हमें पता नहीं है कि क्या कॉज है लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं मे बी ये काज़ हो सकते हैं वाइटामिन ए टॉक्सिसिटी की वजह से या औरल कॉन्ट्रासेप्टिज लेने की वजह से या स्टीरॉइड ज़्यादा यूज़ करने की वजह से या टेट्रासाइक्लिन की वजह से सो इन कॉजेस की वजह से क्या होता है जो यंग और बीज फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पेपिलिडीमा हमें मिलता है साथ में उनकी डिप्लोपिया और लेटरल जो हमारे पास रैक्टस होता है क्रेनियल नर्व सिक्स जो होती है उसकी पालसी की वजह से लेटरल रैक्टस मसल्स की जो है वो पैरालिसिस भी हो गई होती है ठीक है वो मसल काम करना छोड़ देता है और साथ में जब हम लंबर पंक्चर करते हैं ऐसे लोगों का तो एलिवेटेड ओपनिंग प्रेशर मिलता है सो दिस इज़ एक्चुअली द बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपर जिसको हम पहले नाम देते थे सूडो ट्यूमर सेरिब्राइट ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जो थर्ड चीज़ आती है आफ्टर स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजेंस एंड इंट्राकैनियल हाइपर हम बात करते हैं थर्ड चीज़ की डैट दैट इज़ एक्चुअली द इंपेयर्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लोइड सर्कुलेशन अब ये क्यों हो सकता है या तो सी एसर प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही ठीक है मतलब क्या हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ गई है दरमियान में उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल एक्वेडक्ट की स्टिनोसिस हो गई है आपको पता है ना जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है ठीक है इस तरह से मतलब सारा सिस्टम होता है और ये एक प्रोडक्ट होती है हमारे दरमियान में ठीक है सेरिब्रल एक्ट अगर इसमें स्टिनोसिस होगी ऑब्वियसली सी एस ओफर प्रेशर कर जाएगा और सी एस ओर प्रेशरइज करेगा तो वहाँ से ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है आई के साथ और वहाँ पर प्रेशराइज़ करेगा ठीक है दूसरा ये हो सकता है कि एबजॉप्शन में प्रॉब्लम आ रही है फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फेक्शन है कोई हेमरेज है कोई वीनस साइनस ट्रम्बोसिस है ठीक है साइनस थ्रम्बोसिस के जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं ना उसमें एक्चुअली देखें वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस मतलब जो साइनस है पेशेंट का उसमें थ्रोम्बोसिस हो गई है ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंप्लेन करते हैं हिस्ट्री देते हैं कि उनको पहले कान में कोई इन्फेक्शन था लाइक like मीडिया था और उन उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनको साइनस ड्रम्बोसिस आपने ईयर के चैप्टर में देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं ओटाइटस मीडिया के उनके अंदर एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो होती है बीनस साइनस ड्रम्बोसिस ठीक है सो so, वटेगजिया के साथ जो है ना कंप्लेन करते हैं एटेक्जिया के साथ आते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं ना उनमें एक्चुअली जो एब्जॉपशन होती है सी की वो एम्पेयर हो जाती है और उसकी वजह से फिर जो है ये प्रॉब्लम आती है ठीक है मतलब पेपली हो जाता है इन पेशेंट्स को थर्ड चीज़ जो हम बात करते हैं इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी लाइक मेनेंजाइटिस हो सकता है इंसेफेलटिस हो सकता है मतलब ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन है मेनज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स होंगे वो पेपली के साथ आएंगे इन्सेफेइटस के, के केस में और मेनेंजाइटिस के, के केस में जब इन्फेक्शन होगा ऑब्वियसली पेशेंट फीवर की हिस्ट्री देगा अगर मेनेंजाइटिस है तो उसको नेक्स्ट स्टिफनेस होगी ठीक है इस तरह से और इंट्राक्रेनियल हेमरेज ठीक है कोई सब रेग्नॉइड हेमरेज अगर बात करें हमने सब रेगनॉइड स्पेस बात की अब वहां पे अगर हेमरेज हो जाता है obviously उसकी वजह से करेगा और तो और सिक्स चीज पे आ जाती है हमारी हेड इंजरी की वजह से हेड इंजरी अगर हुई किसी को तो उसकी वजह से भी एकदम से जो है सैरिब्लडीमा हो जाएगा और फिर हमारी पेपरिडीमा की तरफ कंडीशन जाएगी सेवन्थ नंबर पे आ जाता है सिस्टामिक कंडीशन है पेशेंट को मेलेग्नेंट हाइपरटेंशन है ठीक है मतलब ओवरऑल उसकी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में हाइपर है मलेग्नेंट किस्म की हाइपर है उसको या दूसरी चीज़ आ जाती है टॉक्जीमिया ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है मेलेग्नेंट हाइपर के मोस्टली मेल्स प्रेजेंट करते हैं और टॉक्जीमिया ऑफ प्रेगनेंसी ऑब्वियसली ये जो फीमेल्स होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो हाइपर का केस आता है जिसको हम इक्म्प्सिया कहते हैं मे मेल ठीक है उनके केस में भी ऑब्वियसली पैपीडिमा पेपिलिडीमा हो सकता है ठीक है इसके अलावा ट्यूमर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर्स हुए हैं ऑब्वियसली वो लिंक्ड है टू द आई ठीक है टू द सेब्लो स्पाइनल फ्लोइड फिर हाइपर वाइटामिनोसिस ठीक है ये आपका एम सी क्यू है बिकॉज ये समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा वाइटामिन ए की टॉक्सिसिटी की वजह से क्यों पैपली हो गया ठीक है ट्यूमर्स की तो हमें समझ आती है इनफिल इन्फेक्शन की समझ आती है ऐसे प्रेशराइज हो गया ये हो गया वो हो गया ठीक है लेकिन हाइपर विटामिनोस भी आपने याद रखना है जैसे हमने ईडियोपैथिक बिनाइन हाइपर टेंशन की एक कॉज देखी थी कि उसमें वाइटमिन ए की ज्यादा होने की वजह से जो है वो एक्चुअली हो रहा था तो यहाँ पर नाइन्थ नंबर पर जो कॉज आता है वो ये वाला भी आ सकता है ठीक है जो बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपर टेंशन होती है उसके बारे में मैंने कुछ आपको बातें बताई थी और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये इसका नाम जो है ये हेडेक सिंड्रोम होता है ठीक है हेडेक सिंड्रोम पेशेंट को हेडेक के साथ आता है पेशेंट क्यों आता है मैंने आपको बताया कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जो है हाइपरटेंशन है मतलब कि हाइपरटेंशन टेंशन कि उसका सी एस प्रेशर जो है वो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा हुआ हुआ है मैंने आपको बताया लंबर पंक्चर करते हैं ऐसे कूद के बाहर आ रहा होता है सी एस एफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होने की वजह से तो यहाँ पर पे पेशेंट जो है उसको हैड एक सिंड्रोम होता है हेड के साथ पेशेंट आता है सर दर्द लेके आता है ठीक है उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेज़ होता है इन द एबसेंस ऑफ एन इंट्राक्रेनियल मैस और वेंटिकुलर डायलेशन हमें पेशेंट में ऐसे पेशेंट्स में कोई इंटरक्रीनल मैस नज़र नहीं आता कोई वेंटिकुलर डायलेशन नज़र नहीं आती कि जिसे वेंटिकुलर डायलेशन मीन्स के कोई ऑब्सट्रक्शन है सी एस एफ प्रेशर के फ़्लो में ठीक है या उसके तो ऑप्शन में प्रॉब्लम सो so, इन दोनों चीज़ों की एक मतलब इन दोनों की एबसेंस होती है इंट्राक्रेनल मैसलेजन भी नहीं होता वेंटिकुलर डायलेशन भी नहीं होती लेकिन पेशेंट जो है वो रेज इंट्राक्रेनल प्रेशर के साथ आता है तो हम उसको लेबल करेंगे एज बिन या ईडियोपैथिक इंट्राक्रेनल हाइपरटेंशन इसमें जो स्पाइनल फ्लूड का कम्पोजीशन होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी मीन्स दैट कोई प्रोटीन ग्लूकोज का चेंज नहीं आया होगा सी एस एफ सी एस एफ में और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें लेटरल डॉक्टर्स की जो है वो पॉलिसी हुई होती है क्योंकि सिक्स नर्व नॉर्मलिटी आती है और इसके अलावा जो कॉन्शियसनेस होती है वो नॉर्मल होती है ठीक है नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स दैट के पेशेंट जो होता है वो नॉर्मल मतलब उनकी कॉन्शियसनेस बहाल होती है बेशक उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ होता है लेकिन वो कॉन्शियस होता है और वाइटामिन ए जो होती है हाइपर विटामिनोसिस इसके बारे में बात याद रखनी है कि इसमें पेशेंट जो है वो एक्यूट जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है ना कि एकदम से वाइटामिन ए बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तो पेशेंट जो होता है ना वो हेड uh, के साथ आता है है। उसका जो स्कल होता है उसमें प्रेशर जो है वो राइज हुआ होता है वाइटामिन ज़्यादा होने की वजह से और वो ऐसे लगता है जैसे मतलब तो ऐसे वो जो है ना हेडेक के साथ और इंक्रीज प्रेशर इंसान द स्कल हुआ होता है ऐसे लगता है जैसे पेशेंट को कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया लेकिन वो होता नहीं है अब आपने कैसे मूव ऑन करना है कि पैपिली डीमा का पेशेंट आपके पास आया है ठीक है और उसको आपने कैसे रूल आउट करना है सबसे पहले जो आपने दो निमोनिक्स याद रखने हैं ठीक है मूवीज एक आपके पास निमोनिक है और दूसरा आपके पास जो है वो निमोनिक uh, है यू डेवल्स ठीक है जो मूवीज़ है ना उसमें सबसे पहले आपने याद रखना है एम फॉर सबसे पहले आपने एक्सक्लूड करना है मूवीज़ को ठीक है मीन्स दैट एम फॉर मैथ लीजन तो नहीं है उसको पेशेंट को मैनन्जाइटिस तो नहीं है इन दोनों को रूल आउट करने के बाद आपने ओ पे आना है कि पेशेंट को जो है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफलिस तो नहीं है वी फॉर वीनस ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ तो नहीं है कोई लाइक वीनस साइनस टम्पोसिस वगैरह ठीक है इसके अलावा आई फॉर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट को एप्स या मैनन्जाइटिस इसके अलावा ई फॉर इजेंशियल हाइपर टेंशन तो नहीं है पेशेंट को मेलेगनेंट हाइपर टेंशन जो भी हमने पढ़ा एस फॉर कोई भी सेकेंडरी काजेज़ जो हमने देखे कि सूडो ट्यूमर सैब्राइलाइक सिंड्रोम के ठीक है सेकेंडरी काजेज़ की बात करते हैं मूवीज़ को एक्सक्लूड करने के बाद आपने आ जाना है यू डेवल्स पे यू डेवल्स जो है इसमें सबसे पहले यू फॉर यूरिमिया के यूरीमा की वजह से हो सकता है डी फॉर ड्रग्स के ड्रग्स लेने की वजह से हो सकता है लाइक टेट्रासाइक्लिन मैंने आपको बताया लाइक जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए इसके अलावा ई फॉर एंडोक्राइन ठीक है एंडोक्राइन एब हो सकती है हाइपोपैराथाटिजम एडिसन्स डिजीज़ के केस के में हो सकता है वी फॉर वाइटामिन एवर यूज़ आई फॉर आयरन डेफिशंसी एनीमिया एल फॉर लास्ट मैंस्ट्रल पीरियड इससे आपने याद रखना है कि प्रेगनेंसी के केस में भी पे अपने डिमा हो सकता है बर्थ कंट्रोल पेल्स तो ले रिया पेशेंट वो हमने ड्रग्स में डिस्कस कर लिया और एस फॉर स्लीप अपनिया ठीक है सो so, या हमारे पास स्टीरॉयड विथड्रॉल जब ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी मूवीज़ एंड टाइवल्स फिर आपने कंसिडर करना है कि पेशेंट जो है वो यंग ओबीज फीमेल है अगर ठीक है अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी नहीं मिल रहा और फिर आप देख रहे हैं कि जो मेरी फ़ीमेल है मतलब जो पेशेंट है वो यंग है ओबीज़, फीमेल है उसका जो वेट है वो भी बढ़ गया है ठीक है तो आपने फिर कंसिडर करना है कि ये जो हमारे पास पेशेंट है ये एक्चुअली आया है ईडियोपैथिक इंट्राक्रेन हाइपर का या ट्यूमर ट्यूमरब्राइज सिंड्रोम का ठीक है जिसमें एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें होता क्या है ये आपके पास जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए था कि पेशेंट आया आपने उसको कैसे रूल आउट करना है एज़ अ पेपरिडीमा और उसका कॉज क्या हो सकता है फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं पैथोजेनेसिस में क्या होता है सबसे पहले आपका जो जितने भी हमने कॉजेज डिस्कस किए हैं उन सब की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा रेजड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हुआ उसकी वजह से सेरिब्रोस्पैनल फ्लोइड जो है उसका प्रेशर रेज होगा जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व का है ठीक है ऑप्टिक नर्व के की जो सेलिप्रोस्पैनल फ्लोड है वो रेज हो गया फिर क्या होगा सब सैलिप्रोस्पैनल फ्लोड रेज होगा अल्टीमेटली उल्टी, वो जो हमारे पास हमने देखे ना एग्जोन्स होते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व के अंदर ठीक है वन पॉइंट टू मिलियन होते हैं अब वो सारे एग्जो प्लाज मतलब जो एग्जॉन्स होंगे उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना तो वो उनका जो एग्जो फ्लो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा ठीक है फिर क्या होगा जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो अल्टीमेटली एग्जो जो होगा वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर और अल्टीमेटली जो हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ एक्जो की वजह से क्या होगा जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, ठीक है क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है अब स्वेलिंग हो जाएगी ना जब हमारे ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स की एग्जॉन्स की तो उसकी वजह से क्या होगा कि इर्द गिर्द हमारी वेंस बनी हुई हैं तो वेंस जो हमारे ऊपर स्प्री लेमिनाड रीजन में होंगी मींस दैट जो लेमिना क्रिब्रोजा का आगे वाला पार्ट होगा मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पे जो वेंस पड़ी हुई हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वीनस स्टेसिस हो जाएगी वीनस स्टेसिस हो गई वेंस के अंदर ब्लड जो है वो स्टेसिस हो गया रुक गया ठीक है अब जब वहाँ पे जो है ब्लड रुक गया वीनस टेसिस हो गई वहाँ पे ब्लड की जो प्रॉब्लम आ गई ना तो ऑप्टिक डिस्क ऑप्टिक आप, डिस्क ब्लड बैरियर जो है उसका ब्रेक डाउन हो गया ठीक है मतलब ब्लड सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ आया अब ब्लड सप्लाई में जब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो अल्टीमेटली क्या होता है वीनस टेसिस की वजह से जब ब्लड वहाँ पर रुक जाता है तो सारा वो जो अंदर से फ्लोइड होता है ठीक है वेजल्स के अंदर से वो बाहर आना शुरू हो जाता है उसमें हमारे पास सिंपल फ्लोइड हो सकता है एक्जोडेट्स हो सकते हैं मतलब उसके अंदर प्रोटीन्स हो सकती हैं इसके अलावा अल्टीमेटली जब हमारे पास फ्लोइड बाहर आ गया तो ब्लड भी बाहर आ सकता है तो हेमरेज़ेज़ हो जाएंगे और हमें कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आएंगे कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं कि जब भी हमारी जब भी ऐसा हो जब भी ऐसा हो कि हमारे नर्व फाइबर्स डैमेज हों और वहाँ पे एक्जो जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है एग्जोप्लाजम के वहाँ पे रुकने की वजह से एक्यूमलेट होने की वजह से हमें वहाँ पे कॉटन वुल्ड स्पॉट्स मिलते हैं मींस कॉटन किस कलर की होती है वाइट कलर की होती है ना तो इस तरह से वो भी हमें जो है वो वाइट कलर के पैचेस फ्लफ़ी से रेटिना पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं एग्ज़ोप्लाजम के रुकने की वजह से और ये हमें शो करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली नर्व फाइबर्स डैमेज हुए हैं ठीक है सो ये इसका पूरा पैथोजेनेसिस था नेक्स्ट से हम बाकी चीज़ें इसकी देख लेते हैं फेपली डी